माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन के बारे में सिखाएंगे, जिसमें हम बताएंगे यूज ऑफ बिगेन टू, यानी बिगेन टू का यूज कहाँ होता है। तो बहुत से सेंटेंस ऐसे बनते हैं जिसमें बिगेन टू का यूज किया जाता है, बुक में भी मिलता है, ट्रांसलेशन में भी मिलता है, और आप लोग उसका समझ नहीं पाते हैं, उसका ज्ञात ना होने के कारण जो है आप अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं कि बिगेन टू का मतलब क्या होता है। हिंदी में भी आप उसका यूज करते हैं और अंग्रेजी में भी इसका यूज करते हैं। तो देखेंगे हम लोग बिगेन टू का यूज कहाँ कहाँ होता है और बिगेन टू के स्थान पर भी क्या हो सकता है जो बिगेन टू का काम करेगा, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। देखेंगे बिगेन टू का यूज कहाँ वहाँ होता है जब कोई काम हम लोग करने लगते हैं, शुरुआत कर देते हैं, उस काम को स्टार्ट कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं। जैसे अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े तो पढ़ने लगे, उसके बाद नहीं जा रहे थे कहीं, जाने लगे, खेलने लगे, सोने लगे, हंसने लगे। जब कोई काम आप स्टार्ट कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं, तो वहाँ पे बिगेन टू का यूज़ होता है। तो बिगेन टू के लिए हम लोग जैसे वाक्य अगर पहचान देखा जाए तो वहाँ पे लगा, लगे, लगी। अगर किसी सेंटेंस के पीछे लगा, लगे, लगी मिला रहे तो आप समझ लीजिए कि वहाँ बिगेन टू का यूज होगा। ठीक है, तो बिगेन टू जैसे लगा, लगे, आप जो भी सेंटेंस देखेंगे उसके सबसे पीछे वहाँ पे ऐसे मिलेगा, और यह जो है ये पास्ट में होता है। ठीक है, यह समझ लीजिए कि आपका ये पास्ट इंडिफिनिट ही है। ठीक है, आप पास्ट इंडिफिनिट पढ़े होंगे कि वाक्य के अंत में आ, ए, ई, ता, था, ती, थी, तो गा में आ की मात्रा है, गी में ई की मात्रा है, और गी में बड़ी की मात्रा है। ठीक है, देखें इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, पहले सब्जेक्ट होता है। ठीक है, पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब में हम लोग बिगेन टू का यूज करते हैं, यहाँ पर लगा, लगी के नाते बिगेन टू। और जब बिगेन टू आएगा तो वहाँ पे वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि बिगेन जो है बिगिन का सेकंड फॉर्म है। अगर सहायक क्रिया सेकंड फॉर्म में होती है तो मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस यही करना है आपको, और जो भी कुछ बचता है ऑब्जेक्ट के बाद उसको आप अदर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर है, हर सेंटेंस की तरह, हर टेंस की तरह स्ट्रक्चर इसका भी है, कुछ परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे कि सबके पहचान देखिए, वह अब विद्यालय जाने लगा, तो इसके पीछे भी लगा मिला है। उसका दोस्त दारू पीने लगा, यानी दारू नहीं पी रहा था लेकिन अब वो काम को शुरू कर दिया है। जब आप कोई काम शुरू कर देते हैं, अब तक नहीं करते हैं फिर शुरुआत कर देते हैं किसी चीज़ का, तो वहाँ पर भी लगा, लगे सेंटेंस मिलता है। वो तुम कुत्ते देखकर रोने लगे, देखिए यहाँ लगे, मैं मोबाइल चलाने लगा, तो ऐसे चीज़ें सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा, लगा, लगे, लगी। तो ऐसे ही जगहों पर हम लोग बिगेन टू का यूज करते हैं। अभी मैं एक तरीका और बताऊंगा जहाँ पर बिगेन टू का यूज ना करके दूसरी जो है वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो पहले देखें, वह अब विद्यालय जाने लगा, तो आपको समझ में आ गया कि लगा, लगे, लगी वाला सेंटेंस मिलता है, काम को स्टार्ट कर दिया जाता है जब हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसी तरह का मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, वह का स्पेलिंग हो जाएगा, आपको पता है पुल्लिंग में ही और स्त्रीलिंग में सी ही हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया ही, और लगा, लगे, यहाँ पे देखेंगे यह भी पास्ट इंडिफिनिट ही होता है, इसमें भी कोई सहायक क्रिया नहीं लगाई जाती है, सीधे हम लोग मुख्य क्रिया पर आरंभ करते हैं। तो यहाँ बिगेन का मतलब क्या होता है, बिगिन माने होता है स्टार्ट करना, बिगिन का ही सेकेंड फॉर्म बिगेन होता है। ठीक है, जब कोई काम शुरुआत करते हैं आप, बिगिन माने होता है शुरुआत करना, और बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगेन है, क्योंकि यह लगा, लगे, लगी पास्ट टेंस को शो कर रहा है, इसलिए बिगेन हो जाएगा। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे बिगेन टू, यहाँ मेन वर्ब, यह भी एक काम हो रहा है बिगेन टू का। अब जो दूसरा मेन काम होगा, स्टार्टिंग का काम हो गया बिगेन टू, अब जाने का स्पेलिंग क्या है, तो जाने का स्पेलिंग गो हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में इसको रखेंगे, क्योंकि देखेंगे गो के पहले टू आ गया तो समझ लीजिए यह इन्फिनिटिव हो गया, यानी वर्ब के पहले अगर टू आता है तो इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, हाँ, तो हो गया ही बिगेन टू गो। अब कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, तो स्कूल कर लेंगे विद्यालय का,
अब बचा है अब, कल, आज, परसों, इसकी अंग्रेजी आप पीछे लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ही बिगेन टू गो टू स्कूल नाउ। अब देखेंगे इसको हम लोग बिगेन टू के स्थान पर भी क्या कर सकते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा वहाँ जगह छोड़ा था, बिगेन टू के स्थान पर मैं यहाँ क्रॉस कर दे रहा हूँ। बिगेन टू के स्थान पर आप स्टार्टेड का भी यूज कर सकते हैं, काम वही है, क्योंकि बिगेन माने भी होता है स्टार्ट करना, शुरुआत करना, और स्टार्ट माने भी शुरुआत करना होता है। चूंकि बिगेन भी सेकंड फॉर्म में है तो इसीलिए स्टार्टेड भी सेकंड फॉर्म में कर दिया, स्टार्ट का स्टार्टेड हो गया। तो जहाँ बिगेन टू का यूज होता है वहाँ पे हम लोग स्टार्टेड का भी यूज कर सकते हैं, यानी दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। चूँकि मैं यहाँ लिखा था बिगेन टू का यूज, इसलिए मैं सिर्फ बिगेन टू लिखा था, लेकिन मैं दोनों बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपको दूसरा करना है, इससे मैं यहाँ इसे कर दे रहा हूँ, बिगेन टू का यूज ना करके दूसरा यूज करेंगे स्टार्टेड का, तो उसको कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। जब स्टार्टेड होगा तो वहाँ पे देखें, बिगेन के साथ टू आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, यानी ये इन्फिनिटिव में आ गया, लेकिन स्टार्टेड जब आएगा तो स्टार्टेड के साथ एक बात ध्यान देना होगा आपको कि स्टार्टेड जब रहेगा तो वहाँ पे हम लोग जीरेंड फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? स्टार्टेड के साथ क्या हो जाएगा? जीरेंड हो जाएगा। जीरेंड क्या होता है? वर्ब में आईएनजी लगता है तो उसको जीरेंड बोलते हैं। जब बिगेन होता है बिगेन टू, तो बिगेन टू के लिए यहाँ पे इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? बिगेन के साथ क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब के पहले टू लग जाता है तो वह इन्फिनिटिव हो जाता है। तो देखें वर्ब गो है, और गो के पहले टू लग गया तो जो टू गो हो गया है इन्फिनिटिव हो गया। तो अगर बिगेन आता है तो बिगेन के साथ इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है, अगर स्टार्टेड है तो उसके साथ जीरेंड का यूज किया जाता है। ठीक है, जीरेंड होता है वर्ब में आई एन जी लगाने से, इन्फिनिटिव होता है वर्ब के पहले टू लगाने से। तो वही काम यहाँ करना है। अब देखें, चलिए हम लोग इसका यूज करेंगे स्टार्टेड का, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही। ठीक है, अब बिगेन टू का यूज ना करके स्टार्टेड करेंगे, STARTED। जब स्टार्ट, जैसे बिगेन था तो ये आ गया इन्फिनिटिव, अब स्टार्टेड है तो जीरेंड फॉर्म। अब यहाँ जीरेंड फॉर्म क्या है? वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है? जाने का, तो जाने की स्पेलिंग हो जाएगा गोइंग, क्योंकि इसमें आईएनजी लगा के हम जीरेंड बना देंगे। अब यहाँ पे टू स्कूल हमारा वही होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद नाउ हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल नाउ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो टू गो है ये इन्फिनिटिव है, और गोइंग क्या है? ये जीरेंड है। आप इसको देखेंगे, ठीक है, यहाँ जो टू गो है इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो बिगेन के साथ ध्यान देना इन्फिनिटिव का यूज, और स्टार्टेड होगा तो जीरेंड का यूज। चलिए अगला देखते हैं, उसका दोस्त दारू पीने लगा, यहाँ भी लगा, तो उसका का हो जाएगा हिज, और दोस्त का हो जाएगा फ्रेंड। ये सब्जेक्ट है। अब लगा लगे के नाते हम बिगेन टू का यूज करेंगे, बिगेन टू। अब पीने के लिए देखें, दारू पानी दूध पीना हो तो ड्रिंक का यूज करते हैं हम लोग, पीने के लिए ड्रिंक होगा और दारू का वाइन हो जाएगा WIN। तो हिज फ्रेंड बिगेन टू ड्रिंक वाइन। अगर मान लीजिए दूसरे तरीके से करना चाहते हैं हम लोग इसका यूज, कि जो है स्टार्टेड का भी यूज है, तो ऐसे कर सकते हैं आप, हिज फ्रेंड, यहाँ पे बिगेन टू को हटा के हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ट्रू ड्रिंक है उसको हम लोग आईएनजी लगा के जीरेंड बनाएंगे तो ड्रिंकिंग हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। अगला है, तुम कुत्ते देखकर रोने लगे। जब देखिए यहाँ पे कुत्ता देखना, यहाँ देखना भी एक क्रिया है और रोना भी एक क्रिया है, और बिगेन भी एक क्रिया है, समझ लीजिए कि वह आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब किसी, देखें, जब को किसी वर्ब में कर लगा हो, देख कर, पढ़ कर, सो कर, जाग कर, खेल कर, या देखते हुए, करते हुए, तो ऐसी जगहों पर आप, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जब कहीं पे कर लगा हो या करते हुए, करते हुए, तो ऐसे जगहों का, ऐसे चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, उस वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म में, तो इसका अंग्रेजी हो जाता है, तो इसकी अंग्रेजी हो जाता है। ठीक है, कोई एक्शन है, कोई काम है, जैसे पढ़कर तो प्लेइंग, जागकर अवेकिंग, खेलकर प्ले
प्लेइंग, पढ़ कर, रीडिंग, ऐसे कर सकते हैं आप करते हुए, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो देखें, तुम सब्जेक्ट हो गया, यू हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग दूसरी सहायक क्रिया यहाँ पे बिगेन टू का यूज करेंगे, यू बिगेन टू। जो काम हो रहा है उसको देख का, रोने का काम उसको आप करेंगे वी। ठीक है, अब क्या देख के, कुत्ते देख कर, तो यहाँ पे देखेंगे सींग माने देख कर, अब कुत्ता के डॉग्स डी यू जी एस। अगर आप चाहते हैं, देखिए यहाँ पे देख कर लिखा हुआ था तो सी माने होता देखना, उसी में आई एन जी लगा दीजिए तो कर या करते हुए, तो आई हो गया देख कर, देख कर। तो यू बिगेन टू वीप सींग डॉग्स। अब इसको अगर मान लीजिए बनाना हो स्टार्ट पे, तो ऐसे कर सकते हैं यू स्टार्टेड टू वीपिंग उसको सींग द डॉग्स। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला है मैं मोबाइल चलाने लगा, तो मैं का स्पेलिंग हो जाएगा आई। काम करने लगे तो आप बिगेन टू का यूज करेंगे, आई बिगेन टू। अब यहाँ पे चलाने के लिए हम लोग ड्राइव नहीं करेंगे ना राइड करेंगे, मोबाइल चलाना हो या लैपटॉप चलाना हो, जब कोई यंत्र हम लोग चलाते हैं तो यहाँ पे हम लोग चलाने के लिए यूज का यूज करेंगे। ठीक है, यूज माने उपयोग करें, यूज द मोबाइल, एम ओ बी आई एल ई, तो क्या आई बिगेन टू यूज द मोबाइल। दूसरे तरीके से अगर करना चाहते हैं तो आई स्टार्टेड, यहाँ पे टू जो यूज है उसको यूजिंग करेंगे, द मोबाइल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बिगेन टू का और स्टार्टेड का दोनों का यूज कर सकते हैं। उसकी माताजी पूरे परिवार के लिए खाना बनाने लगी, यहाँ भी देखें लगा लगे लगी आया, उसकी माता का। देखिए अगर पुल्लिंग है तो हिज लगाएंगे, अगर स्त्रीलिंग है तो हर लगाएंगे, उसकी के लिए हिज मदर या हर मदर भी कह सकते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट। और यहाँ पे काम स्टार्ट होने लगा तो उसके लिए आप लोग बिगेन टू का यूज करेंगे, बिगेन टू। अब कौन सा काम कर रहे हैं, बनाने का काम करें, तो बनाने के लिए खाने पीने वाले जब कुछ बनाते हैं तो उसके लिए कुक करेंगे। अब क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिखे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो भोजन के लिए फूड हो जाता है। अब बचा क्या है, पूरे परिवार के लिए। ठीक है, यही चीज़ बताए तो के लिए का स्पेलिंग हो जाएगा फॉर, और पूरे का हो जाएगा होल, और परिवार का फैमिली हो जाएगा या फिर आई एम। ठीक है, तो हिज मदर बिगेन टू कुक फूड फॉर होल फैमिली हो जाएगा। स्टार्टेड वाला भी बना सकते हैं, हिज मदर स्टार्टेड कुकिंग फूड फॉर होल फैमिली। अब देखें इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, वे अब चोरी करने लगे तो वे का स्पेलिंग हो जाएगा दे। और यहाँ पे लगा लगे कि नाते हम लोग इसको बिगेन टू का यूज करेंगे, दे बिगेन टू। और चोरी करने के लिए स्टील कहते हैं, एस टी ए एल। ठीक है, दे बिगेन टू स्टील आपका नाउ। ठीक है, दे बिगेन टू स्टील नाउ। अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं हो जाएगा, दे स्टार्टेड। ठीक है, अब चोरी करने के लिए स्टीलिंग कर लेंगे, एस टी ई एल आई एन जी स्टीलिंग। ठीक है, हो गया आपके स्पेलिंग नाउ हो जाएगा, दे स्टार्टेड स्टीलिंग नाउ। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पास स्थित बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।